Hello friends, welcome to this live streaming session of tarot card reading. तो इस session में हम आप लोगों के personal questions लेंगे, आपको tarot card as a guidance इस्तेमाल करना है. ये absolute truth नहीं होता. It is hi Tanu ji, कैसे हो? Welcome Tanu. तो तनु, आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो? शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, हैप्पी नवरात्रि पूनम जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो टाइप योर क्वेश्चंस. सो लिख देते हैं, टाइप योर क्वेश्चंस. When will I meet my future? Hello Kashish. When will I meet my future spouse? तो तनु, आपकी एज क्या है? थोड़ा अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स बताइए. हेलो शैला शाहिद, हेलो कशिश. सो तनु, अपना बताइए, आपका एज क्या है? प्लीज टाइप योर एज और आप क्या करती हैं, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू. तो जो लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ 20. ओके, तो अभी तो आप छोटी हैं तनु, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कोई लव अफेयर चल रहा है क्या? सॉरी, मैं पर्सनली पूछ रही हूँ तनु. जो मुझे मैं फील कर पा रही हूँ, आपका कोई रिलेशनशिप है, तो अभी आपकी शादी में टाइम है तनु. और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जनरल रीडिंग है. इस समय अगर हम इन डेप्थ रीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को पर्सनल सेशंस लेने हैं. आज के लिए मैं डिस्काउंट दे रही हूँ आफ्टर द सेशन, तो बिटवीन 12 to 1 इट विल बी. आई चार्ज 1500, बट इसमें आपको एक कंसेशनल अमाउंट में आप कर सकते हो. तो तनु, आपका शादी का अभी सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सीन, बट आई कैन सी दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप. कुछ ना किसी बंदे को आप, एम आई राइट तनु? आप पर्सनली मेरे को फोन पे भेज सकते हो, अगर आप यहाँ पे नहीं बताना चाहते हो तनु. तो मैं तो दूसरा, पूनम जी 29 इयर्स की है पूनम पांडे, और उन 29 की करंट फीलिंग्स मुझे लेके क्या है? अभी नो कॉन्टैक्ट है. ओके, क्या नाम है बंदे का? पूनम. पूनम, जो पूनम है, पूनम का क्वेश्चन ले रही हूँ. तो पूनम, आपके बंदे का क्या नाम है? प्लीज टाइप द नेम ऑफ द पर्सन. प्रशांत द्विवेदी. तो आपका झगड़ा हुआ है उनसे? डेविल का कार्ड आ रहा है पूनम पांडे जी. पूनम पांडे है ना, तो नो कॉन्टैक्ट पूनम जी, वो तो किसी और के चक्कर में है. ही इज इन अनदर रिलेशनशिप. और अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए. अगर अभी भी टाइम है और आप जो है रिलेशनशिप हीलिंग कर सकती हैं, के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ तनु, आपका रिलेशनशिप तो दिखा रहा था, तो अभी वेट करो तनु, अभी नई रिलेशनशिप की वेट करो. आई थिंक यू आर सीकिंग अ रिलेशनशिप रादर देन मैरिज. तो शाहिद शहर, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके सबका क्वेश्चन लूंगी. अभी मैं पूनम पांडे पे थी, तो मुझे ऋषि से मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? निधि कश्यप, ऋषि का थोड़ा सा, ऋषि क्या करता है कुछ बताएंगे थोड़ा उसके बारे में, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू ऋषि. एक मिनट, सब लोगों के मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. अभी हम ऋषि की बात करते हैं. निधि, आप टाइप करके बताओ. ऋषि इज ए डॉक्टर. ओके, मुझे ऋषि से मूव ऑन कर लेना चाहिए. निधि, क्या आपका ब्रेकअप हुआ? निधि, ये है ना, मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग करनी पड़ेगी, बट आप, मैं जनरल दे रही हूँ. ऋषि अभी अपने काम में मूव ऑन कर रहा है.
तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि ऋषि ऋषि का माइंड जो है ना बड़ा वो वेवरिंग माइंड है, यस नो करता है. तो कैन यू ट्रस्ट ऋषि? अभी मत उसे ब्रेकअप करिए, मत करिए ब्रेकअप, क्योंकि ऋषि जो है डज ही लव यू, ही लव्स यू, तो डोंट हैव ब्रेकअप विद हिम, डोंट हैव ब्रेकअप विद हिम. तो अभी हम और डीपर क्वेश्चन में जाएंगे. आई थिंक यू माइट नॉट बी फीलिंग लाइक टॉकिंग एवरीथिंग ऑन हेयर, तो ये हम पर्सनल लेवल पे काम कर सकते हैं. तो अभी आप मत छोड़िएगा उन्हें. ओके मंजू, लाइफ पार्टनर कैसा होगा एंड शादी कब तक होगी? मंजू आपकी एज क्या है? मंजू का मैं ले रही हूँ क्वेश्चन. मंजू आपका एज क्या है और आप क्या करती हैं और किस शहर में हैं? तो थोड़ा डिटेल चाहिए मुझे आपसे. निधि आप अभी जो है कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हुआ है, दोबारा पॉसिबिलिटी है उस बंदे के आने की. तो मंजू ओके, आप क्या करते हो मंजू? आई थिंक एक मिनट कशिश आप रुको जरा. मंजू का क्वेश्चन अब भी प्राइवेट में मैम. ओके प्राइवेटली फिर आप कॉल करना मेरे को, है ना मंजू? आपको प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट? ओके आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रही हैं कोई? ओके कशिश गाइडेंस फॉर माय जी एग्जाम एंड हाउ विल आई डू इन अप्रैल एंड मई. तो आप स्टूडेंट हैं कशिश? कशिश का आंसर क्वेश्चन है कि वो जी में कैसे करेंगी. देखो कशिश आपका अच्छा होप है, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है और आपका 101% आ जाएगा. कशिश आपका 101% यू आर गोइंग टू हैव यू नो गेट एडमिशन इन योर जी. तो अपनी और ताकत लगा दो अपनी जी की एग्जाम्स में बहुत अच्छे से. निधि कश्यप जी, निधि कश्यप कह रही है मैम आई वांट टू मेक ए करियर इन आयुर्वेदा, कैसा रहेगा फ्यूचर? अभी क्या कर रही है निधि निधि अपना एज, क्योंकि वो चैट में ऊपर चला गया है. निधि आप क्या करती हैं? शहला शाहिद जी ने पूछा था उससे पहले, आई थिंक आई नीड टू आंसर शहला शाहिद. मैं जैन कुरेशी, फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन. सो शहला शाहिद जी अगर आप सुन रही हैं तो शहला शाहिद का मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ क्योंकि इन्होंने पहले. अच्छा शहला जी आप पाकिस्तान से हैं, ओके ओके. शहला जी का क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनका नो कॉन्टेक्ट है. तो शहला शाहिद, शहला शाहिद ये बंदा आपके साथ जो है दोबारा आएगा लाइफ में, आपकी रीयूनियन के चांसेस हैं शैला, पर थोड़ा टाइम लगा के वो आएगा. शैला ये डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आ रहे हैं. एंड थैंक यू इतनी दूर से आपने कॉन्टैक्ट किया है शैला जी. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. सो लेट मी सी मंजू जी. हेलो मोना. निधि प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम. निधि आपका मैम क्या जैन मेरे एसएमएस का आंसर दे देंगे? क्या बताऊं मोना जी, थोड़ा क्वेश्चन आप है ना उसको रीफ्रेम करो. मनी प्रॉब्लम है, प्लीज बता दीजिए मनी प्रॉब्लम किस तरह की. हस्बैंड नहीं कमाते, आप नहीं कमाते, क्या प्रॉब्लम है मोनास किचन? आपके मैसेज का जवाब देंगे या नहीं? मैं इस समय शहला जी का आंसर कर रही हूँ. शहला जी अभी तो नहीं करेंगे वो, वेट शहला जी. एक मिनट, हम मोना जी
मोना जी का लेते हैं क्योंकि मोना जी ने शायद अभी ज्वाइन की है। मोना जी, मनी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मंजू जी का क्वेश्चन लूंगी मैं। मोना जी, मनी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम, थोड़ा स्पेसिफाई करिए क्या प्रॉब्लम है मनी की। जॉब नहीं लग रही है, हस्बैंड नहीं कमाते, या आपके पास सेविंग नहीं होती, तो थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाइए। फिलहाल मैं शहला जी का आंसर करती हूँ, क्योंकि अभी मैं शहला जी के लिए टैरो की वो कर रही हूँ, तो शहला जी का करते हैं। अभी शहला जी के साथ हूँ मैम, फीलिंग्स भी बता दीजिए। तो शहला जी की फीलिंग्स बताती हूँ मैं, आपके जो हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। देखिए, वो थोड़े शार्प टंग्ड हैं, उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और समय काम में लगे हुए हैं, और उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, बट वो प्यार करते हैं और इस समय थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं। प्यार वो करते हैं और लोनली फील कर रहे हैं। तो शैला जी, मंजू जी का ले रही हूं मैं। करियर का बता दे, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगा। थैंक यू शैला जी। और शैला जी, आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकती हैं टू मैनिफेस्टिंग अगेन, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरिन, वो हार्ट चक्र पे काम करता है। अच्छा मोना जी, आप क्या करती थी। किचन, मोनास किचन लिखा है। तो एक मिनट, मोना जी का से पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब वाली कौन थी। हाँ मंजू जी, मंजू जी का क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। मंजू जी, अभी आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आपका जॉब इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है वो आप नहीं कर रहे हो। हार्ड वर्क का आपका जॉब आपके लिए हार्ड वर्क मांग रहा है। जॉब की अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर मोर, बहुत प्रिपेयर करना है आपने। मोना जी, टिफिन सेंटर था आपका, ओके। आप कहाँ से हैं मोना जी। यू आर वेलकम मंजू जी। मोना जी, आप कहाँ से हैं, जरा लिखिए चैट बॉक्स में। छत्तीसगढ़, तो ओके मोना जी। वैसे टू बी ऑनेस्ट, इस समय सब टिफिन वालों का थोड़ा बुरा हाल था, बट आप कुछ और मैं कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती हैं। अभी तो थोड़ा काम पिक करने में आपको ये टिफिन वाला काम नहीं सूट कर रहा है फिलहाल। तो टिफिन वाले में देखिए आप जरा, इस समय थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, टिफिन कार्ड की जगह आप कुछ और सोचिए। एक मिनट कशिश, माइंड एंड बॉडी। एक मिनट, मैं कशिश जी का लेती हूँ, पूनम पांडे का लेती हूँ मैं। पूनम पांडे जी का लेती हूँ। मोना जी, आप निराश ना हो, आप अपने ही उसमें कुछ ना कुछ नया देखिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्रेक थ्रू थिंकिंग करनी पड़ेगी। हम एक ही चीज को, जो काम नहीं चल रहा, एक काम नहीं चलता तो ईश्वर 10 काम खोलता है। तो लुक एट अपॉर्चुनिटीज, फूड की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो अगर आप और अपॉर्चुनिटीज करेंगी तो फायदा होगा। और मोना जी, आपके लिए कहीं ना कहीं मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे कुछ ब्लॉक्स होते हैं मनी रिलेटेड, जिसकी वजह से हम मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं एक डिस्काउंटेड रेट पे मनी मंत्रा, वैसे मैं 11,000 लेती हूँ, बट आप सब लोगों के लिए एक डिस्काउंटेड रेट हो रहेगा मनी मंत्रा कोर्स का, जो आप करके अपने मनी ब्लॉक्स रिमूव कर सकते हैं। तो आप मेरे को सेशन के बाद पर्सनली कॉल कर सकते हैं। कशिश की बात हम कर रहे थे। सो कशिश का जो था गाइडेंस मांग रहे हैं ना आप आयुष के लिए, आपका गाइडेंस है कि आप जो है
यू आर गोइंग टू बी टूगेदर, बट ये बंदा थोड़ा, आप भी दिल्ली डेली करते हो थोड़ा सा, तो देर इज अ होप इन द रिलेशनशिप. आप ना कमिटेड हो जाओ, दिल्ली डेलिंग बंद करो, एक तरफ हो जाओ. स्केयर होने से कुछ नहीं होता जीवन में, जो डरेगा वो मरेगा. डरने से कुछ नहीं होता, लाइफ तो रिस्क पे हमेशा ही रहती है ना. तो जो फियर्स उन पे काम करो, और मोस्ट प्रोबेबली पास्ट कोई पेन और हर्ट है जिस पे आपने काम नहीं करा, आपके लिए रिकमेंडेड है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कशिश, टू लेट गो ऑफ योर पेन एंड हर्ट. सी, हर चीज़ टैरो नहीं बताता. कुछ चीज़ें जो आपका पेन और हर्ट है, पिछले पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, वो आपको प्रिवेंट कर रहा है रिलेशनशिप में जाने से. दैट इज़ नॉट लेटिंग यू बी हैप्पी. तो कशिश, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ सेशन यू कैन कॉल मी. माइंड एंड बॉडी हीलिंग के वो लेते हैं. पूनम पांडे जी, प्लीज़ वेट, मैं अभी माइंड एंड बॉडी हीलिंग वालों का ले रही हूँ. मैं, मेरा बेटा अथर्व, जो शायद आपने पहले भी पूछा था, जो सेरेब्रल सेरेब्रल पैल्सी चाइल्ड है, जो बर्थ से चल नहीं पाता, बट अभी हमने उसके लिए एक लेग का ऑपरेशन करवाना है, दूसरे लेग का करवाना है, क्या चल पाएगा? तो देखते हैं. माइंड एंड बॉडी हीलिंग, तो आप कहीं ना कहीं हीलिंग करते होंगे अपने माइंड को. आप पॉजिटिव रखिए माइंड एंड बॉडी हीलिंग. और बच्चे को अगर आप रेकी या जानती हैं तो रेकी हीलिंग देते रहिए. मैं एक टैरो से पूछती हूँ. बेटे का नाम क्या है? अथर्व. ओके, अथर्व, अथर्व वो चल पाएगा, चल पाएगा, डेफिनेटली चल पाएगा. आप पॉजिटिव रहें, कमिटेड रहें, जरूर होगा. पूनम पांडे जी, मैं का छूट गया है. प्रशांत द्विवेदी, मेरा ट्विन है, फ्यूचर में कॉन्टेक्ट करेंगे मैम. करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. बहुत अच्छा कार्ड आया है. निधि कश्यप जी, ओके, निधि कश्यप जी के ऊपर आते हैं. तो यू वांट टू मेक अ करियर इन आयुर्वेदा. सो अगले वीक से हम रेकी वन की फ्री क्लास करेंगे, रेकी वन की. तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. पूनम पांडे जी, आपको मेहनत और करनी है. आप करेंगी तो अच्छा रिजल्ट आएंगे. और इसके लिए अगर आपको टिप्स चाहिए कि आपका करियर सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आप मेरी मनी मंत्रा वीडियोस देख सकती हैं, या आप जो हैं, यस मैम, बहुत पूनम पांडे की आप कुछ और पूछ रही थी, किसी और का कोई और प्रश्न रह गया हो तो वो पूछ सकता है. बिकॉज आई विल बी नाउ देन कंप्लीटिंग द सेशन. मेरा नंबर 9811142249 है. जो लोग मुझे पर्सनली कॉल करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं. ओके, so nobody has any questions. thank you guys for joining up. और डिटेलिंग हमारे पर्सनल लेवल पे ही होगी. so thank you. और जो लोग करना चाहते हैं, next week रेकी फ्री रेकी सेशन शुरू करेंगे, तो हमें 2-3 सेशंस लगेंगे रेकी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. thank you, bye bye.